प्रेम भैया नमस्ते, हाय, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। बड़ा स्मार्ट लग रहा है। कहाँ स्मार्ट है यार, हीरो स्मार्ट है, डायरेक्टर स्मार्ट। सर आप भी स्मार्ट लग रहे हैं आज, लगता है कि कई सालों के बाद नहाए हैं आप। हाँ बिल्कुल, आपकी संगति का घूमती नदी में, घूमती नदी में भैया की संगति का असर है। और अभी क्या कहना चाहेंगे? सलाम नमस्ते, मैं हूँ रवि यादव और आप सभी लोग मुझे प्यार से चंबल बॉय कहते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे होते हैं, अगर आप उस फील्ड के महारथी के साथ बैठे हों तो बहुत खुशी होती है। मिस्टर प्रेम भैया जी आज किसी बच्चे के मोहताज नहीं है, बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं और उससे अच्छे आप एक नेचर में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। आप स्टाइल सिनेमा के नाम से बहुत फेमस हैं, मिस्टर पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा, मुझे लगता है कि ये नाम सिर्फ आप पर छूट ज़्यादा करता है, तो मैं बहुत खुशी सर आपसे मिलकर। बहुत थैंक यू गॉड ब्लेस यू। पराग जी सर, टैटू आप बचपन से बनाए गए या 70 साल के हो गए तब बनाए थे? ये मैंने 75 साल का जब मैं हुआ था। अच्छा, 75वीं जो मेरी बर्थडे था 70 पे, वो टाइम बना था। आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रेम राय जी को भी राय देना चाहिए सब टैटू बनाने के लिए? नहीं, ये पैसे देते हैं हमको तब हम टैटू बनवाते हैं, तो ये बनवाए ना तो ज़्यादा अच्छा। हम बना लेंगे तो पैसा काट देंगे। हाथ खराब हो जाएगा। तो सर आपको, आप क्यों नहीं बनाते हैं टैटू? ऐसा नहीं, पसंद नहीं है पहले से ही। अब वो सबके ऊपर शूट भी नहीं करता है, जैसे पराग जी के ऊपर शूट करता है, ये काफ़ी आशिक मिजाज है और बहुत मतलब इनका फील्ड। लेकिन ये सब शहरी लोग बनाता है, ऐसा गांव वाले भी लोग बनाते हैं? नहीं बनाते, बिल्कुल गांव वाले बनाते हैं। शहर और गांव बचा आजकल डेट में, तो शहर और गाँव का कोई मसला ही नहीं है। गाँव भी बहुत एडवांस हो गया, वहाँ के बच्चे जो हम सोचते नहीं उससे ज़्यादा वहाँ कर के बैठे रहते हैं। तो फसल के लोकेशन देखने आए, कहाँ इस बार कुछ क्लियर हुआ? ये तीसरी बार लोकेशन हम लोग देख रहे हैं लॉकडाउन के बाद। नहीं, तीसरी बार नहीं, हम लोग फसल का लोकेशन दूसरी बार देखने आए हैं। पहली बार कोरोना लेकर चला गया, उसके बावजूद भी क्या चेंजेस है क्या नहीं है एट प्रेजेंट लोकेशन में, इसके लिए दूसरी बार देखने आए हैं। बहुत हद तक हम लोगों को फसल का कैसा लगा, लखनऊ का लोकेशन कैसा लगा आपको? बहुत प्यारा, और बहुत हद तक हम लोगों को फसल का लोकेशन क्लियर भी हो चुका है। जो हमारी स्क्रिप्ट की डिमांड है, जो हमारे स्क्रिप्ट को जो एक ऑथेंटिक लोकेशन की ज़रूरत है फसल में, वो सारे लोकेशन लगभग हम लोग ने लॉक कर दिए हैं। आपको कैसा लगा बहराइच कल गए थे, कैसा लगा आपको वहाँ का? बारह सॉरी, कैसा लगा आपको लोकेशन? लोकेशन काफ़ी अच्छे हैं और शूट करके मज़ा आएगा। जैसा पराग जी को लोकेशन चाहिए था, बहुत बड़े बड़े खेत और हवेली गांव, वो सब कुछ इनको वहाँ पर मिला है और लोकल लोगों का भी काफ़ी सपोर्ट है वहाँ के विधायक जी का, और लखनऊ के हमारे जो लोग साथी लोग हैं गार्जियन लोग हैं, उनका भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, तो इनको काम करने में मज़ा आएगा। पाँच फिल्में अनाउंस किए थे, पहली फिल्म फसल आपकी जा रही है, बाकी फिल्में कब तक आएगी? नवम्बर में एक दूसरी फिल्म जा रही है, फिर दिसंबर में जा रही है, तीन फिल्म तो कन्फर्म है, उसके बाद फिर बाकी दो फिल्म का डेट अभी बताएंगे कब तक है। क्या कुछ तैयारी की आपने सर फसल के लिए? फसल के लिए तैयार तो हम लोग लगभग 1.5 साल से हैं। लगभग इस फिल्म की स्क्रिप्ट मैंने 6 साल पहले लिखी थी और मैं चाह रहा था कि फसल एक प्रॉपर प्रोडक्शन हाउस से, प्रॉपर स्टारकास्ट से बनाऊँ, तो स्टारकास्ट में दिनेश जी आ ही चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं किसान की भूमिका में वो कितने प्यारे जचेंगे और कितना जस्टिस करेंगे। और श्रेयस फिल्म्स के साथ में, प्रेम भैया के साथ में मैं पहली बार जुड़ रहा हूँ फसल के माध्यम से, फसल इस मूवी के माध्यम से, और जहाँ तक हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरीके से फसल की गतिविधियाँ चल रही है, वो बिल्कुल सराहनीय है और मैं सेटिस्फाइड हूँ फसल प्रेम भैया के साथ। प्रेम जी फसल के साथ अपने अक्षरा सिंह को भी अनाउंस किया था हीरोइन, तो वो तो बिग बॉस में है, तो इस बार कुछ हीरोइन फाइनल हुई नया कुछ? अभी वेट करेंगे, टाइम नहीं अभी, तो बिग बॉस खत्म होने के लिए तो अब और 2-3 में हो जाएगा ऑलमोस्ट मेरे को लगता है। और अक्षरा जी हम चाहते हैं कि सलमान खान वाले बिग अपना बिग बॉस में भी जाएँ, टीवी वाले में देखते। हाँ, लेकिन अगर सलमान खान के बिग बॉस में जाएगी तो हमारी फसल गड़बड़ाएगी, लेकिन ठीक है, हर इंसान को अपना अच्छा और अपना बेस्ट और हमेशा उम्दा प्लेटफॉर्म पर जाने का उनको उम्मीद होती
अधिकार होता है। मतलब अभी भी आप दोनों को उम्मीद है कि अक्षरा जी इस फिल्म में हिस्सा होंगी? जी, हम लोग इसी उम्मीद में है कि अक्षरा जी आएंगी और हम लोग उनके साथ फसल शूट करेंगे। लेकिन अगर एक दूसरा प्लेटफॉर्म और एक बड़ा प्लेटफॉर्म अक्षरा जी को मिल रहा है तो हम लोग यही चाहेंगे कि उस बड़े प्लेटफॉर्म को वो निभाएं और उनके खुद के साथ हमारे भोजपुरी का सम्मान ऊपर करें। वोट के लिए कुछ कहना चाहेंगे? यही कि अक्षरा सिंह हमारे भोजपुरी का सम्मान है, हमारी भोजपुरी सिनेमा का अक्षरा सिंह अस्मिता है। उस अस्मिता को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वोट कीजिए, वोट पर जाइए और अक्षरा सिंह को भी बहुत जीता। थैंक यू सर।